Jeeva, obviously first, मतलब game में इतना lead था first few minutes में, तो क्या कैसे team ने इतना composure रख के मतलब game घूम change कर दिया? क्या सोच रहे थे आप? क्या कह रहे थे team को? पहले first half में नवीन एकदम speed rate था, decide करने वाला rate था, उसको पहले से उसको catch करके बाहर रखे, वो पहले leading बना के वो लीडिंग को धीरे धीरे अब हम कुछ बोनस करके एक एक राइड में दो दो राइड में अवार्ड करके खेला तो लास्ट में एक दो तीन पॉइंट में जीतने के लिए हमारा प्लान था। कोच साहब कैसा लग रहा है, पहली बार बंगाल वॉरियर्स ने ट्रॉफी जीती है और स्टार्टिंग थोड़ा स्लो किया था बंगाल वॉरियर्स, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो आज का जो जीत है बहुत खुशी का जीत है, ये हमारा कैप्टन मनिंदर और नबीबख्श इनका मेहनत है। लास्ट दो सीजन से मनिंदर मेहनत करके करके आया जिताने के लिए, इस बार मनिंदर टीम का कैप्टन बन गया और मनिंदर इंजरी के बाद नबीबख्श कैप्टन हो गया, दोनों हमारा लक्की प्लेयर्स है। और बंगाल छः सीज़न कोशिश कर रहा था, सीज़न वन से छः तक कोशिश किया कैसा भी जीतना है, लास्ट दो बार तीन बार सेमीफाइनल तक पहुंच के ट्रॉफी नहीं जीत पाया। इस बार मेरे को कॉन्फिडेंस था, अभी हम लोग ऑक्शन का पहले हम लोग डिसाइड किया, ऐसा नया टीम बनाया, उधर बात हुआ था सर ये टीम इनके खेलेगा तो चैम्पियन है, नहीं तो लीग आउट हो जाएगा ऐसा। फिर प्रैक्टिस में देखेगा तो सब बोलने शुरू किया हम टीम जीत जाएंगे इस बार, सब लोग फ्रेंड्स लोग। एक दो बार मेरे को ऐसे ही लास्ट सीज़न में भी ऐसे ही दोस्त और पब्लिक फ़ोन कर रहा था ना, इस बार आप चैम्पियन बन जाएगा चैम्पियन बन जाएगा ऐसा बोल रहा था मैं, ऐसा यार इतना अच्छा गुजरात टीम है हमारा टीम चैम्पियन हो जाएगा ऐसा बोल रहा है, कैसा हो जाएगा चैम्पियन? ऐसे ही चैम्पियन हो गया लास्ट टाइम भी बेंगलुरु बुल्स ने, इस बार भी ऐसे ही जो सब लोग बोल रहा था इस बार बंगाल चैम्पियन बंगाल चैम्पियन, हम आने से पहले ही इतना फ़ोन आया चैम्पियन ने यार, मैसेज भी आया बहुत सारे मैसेज इस बार चैम्पियन, ऐसे ही चैम्पियन हो गया। इसका पीछे जो हमारा सेवन का जो टीम है, सेवन नहीं बारह का जो टीम है परफ बहुत अच्छा है, बैलेंसिंग टीम है, हमको ऐसा लग रहा था जीत जाएंगे अभी इस बार ट्रॉफी, हम मैच का पहले भी बोला था हमारा मैनेजमेंट के साथ हम इस बार हम ट्रॉफी जीत जाएंगे। और स्टार्टिंग में जो उन्होंने लीड बनाया था अपोनेंट टीम दबंग दिल्ली, उनका उनका जो क्वालिटी था स्टार्टिंग में वो शुरू किया, हम भी बोला मैं भी बोला था नवीन एक है और चंदन रंजीत है, वो चंदन रंजीत हमारा पास सारे चंदन रंजीत और नवीन और मनिंदर ही है, सब लोग चैलेंज करो उनके साथ, वो बोनस करेगा आप भी करो, वो पॉइंट करेगा तो हम भी करेंगे, आप लड़त करो चैलेंज करता रहना पॉइंट के लिए, एक के क्रेडिट भी छोड़ने का नहीं, बोनस भी नहीं छोड़ने का, पॉइंट भी नहीं छोड़ने का करो, हमारा प्लेयर सही सही किया रेडिंग में। और डिफेंडर डिफेंडर जो है डिफेंडर को भी वही बोला था, उनका जो डिफेंडर है उससे बेटर हमारा डिफेंस है, तुम खेलो ये मैच जान लगा के खेलो हम जीत जाएंगे, ऐसे ही खेला प्लेयर्स। कोच आप दो साल से बैकबोन रहे बंगाल वॉरियर्स के और आज आप चैंपियंस बने, तो कैसी आपकी फीलिंग, कैसी है आप, कैसा फील कर रहे हैं? फीलिंग भाई साहब बहुत बढ़िया है, जैसे है ना कि तीसरा सीजन है मेरा इस टीम में, तो मेहनत तो भाई साहब बहुत की है, जैसे है ना कि लग रहा था पिछले दो सीजन हम सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, तो पिछले में हम क्वार्टर फाइनल हार गए थे, तो सेमीफाइनल हारने के बाद बहुत दुख था, आज सुबह मैं यही बोल रहा था कि अगर जीतेंगे तो एक साल बहुत बढ़िया निकलेगा अपना, तो भाई खुशी है बहुत ज़्यादा भाई साहब, मज़ा आ रहा है जी। कोच मोहम्मद नबीबख्श आज बहुत सही खेले, और मतलब पूरे सीजन में ये कभी कवर खेले कभी कॉर्नर में भी आपके लिए खेले, और अभी आज एक लीड रेडर तीन चार के डिफेंस में बहुत बेहतरीन थे, तो एक ऐसा प्लेयर होना जो मतलब इतने काम कर सकते कितना महत्वपूर्ण है, और क्या कहेंगे ये प्लेयर के बारे में स्पेशली? ये बहुत स्मार्ट है प्लेयर, मैं एशियन गेम्स में देखा था ना, लक्की प्लेयर है हमारे लिए, मेन बंगाल वॉरियर्स का लक्की प्लेयर है मोहम्मद नबीबख्श, देखो उनका कैप्टन भी दिया मनिंदर इंजरी के बाद, वो देखिए उसका काम किया उन्होंने रेडिंग, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से खेला, और एक एक हमारा इंडियन का जो प्लेयर रहता है रेडर है तो रेडर, डिफेंडर है तो डिफेंडर ही रहता है, बहुत ऑलराउंडर बहुत कम रहता है, ये ऐसा प्लेयर है रेडिंग भी करता है
डिफेंस भी करता है और सपोर्टिंग डिफेंस भी करता है सेकंड मैन से. इनका जो रेड है टोटली डिफरेंट है. समझ नहीं आता अपोनेंट टीम को ये कैसा करेगा, किधर से घूम के किधर आएगा. हमारा रेडिंग तो ओरिजिनल कबड्डी का जो स्टाइल है, लेफ्ट रेडर है तो लेफ्ट में ही करेगा, राइट रेडर है तो राइट में ही करेगा. ऐसा ये समझ में नहीं आया इसका रेडिंग किधर जाएगा, किधर टच करके आ जाएगा. ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो गया. मतलब एक अलग ही उनका टेक्निक ईरान में जो डेवलप हुआ है, ऐसा कुछ अनऑर्थोडॉक्स बोलते हैं जिसको. सही है. इंडिया में भी ऐसा बहुत सारे प्लेयर्स होता है कि गाँव 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 में रहता है. एक ऐसा ही बहुत सारे प्लेयर्स देखा है मैंने, गांव में इधर उधर से आ जाता है, सेम ऐसा ही करता है राइडिंग इधर उधर उधर उधर. अभी प्रशांत रे भी हरियाणा स्टीलर का, उनका भी स्टाइल बहुत डिफरेंस है. अभी बहुत साल हम लोग उसको कैच पकड़ने मुश्किल हो जाता था, बाद में पता चला फिर कैच लिया. इनका भी ऐसा है. इसका जो नेगेटिव किधर है गेम का, वो पकड़ के कैच करना पड़ेगा, नहीं तो ये मिलने वाला नहीं है. और एज भी है और बहुत स्मार्ट है खेलने का. सर आप पहले बेंगलुरु के बीस के साथ भी आप टाइटल जीते थे और अभी भी आप फिर से टाइटल जीते हैं, तो दोनों टाइटल्स में व्हाट हैज बीन द बिगेस्ट डिफरेंस और कैसा लग रहा है दोनों टाइटल्स के बाद, कैसा लग रहा है आपको? मैडम बेंगलुरु का जीत भी बहुत हम नहीं सोचा था जीत जाएंगे. हम तो मेहनत कर रहा था स्टार्टिंग दो महीना कॉम्पिटिशन से, दो महीना पहले हम प्रैक्टिस किया. प्रैक्टिस में हमने कॉम्बिनेशन बनाया, रेडर्स का और डिफेंस का स्किल सब देखा. अच्छा हुआ एक लास्ट सीजन में मैं खुद उदय सिंह वाला जी था सी ओ, उनको बोला सर मेरे को कैसे भी पवन शेरावत चाहिए. बोला पवन शेरावत को ले लेंगे. पवन शेरावत को हमने सही ढंग से काम लिया और साथ में हरीश नायक था और काशीलिंग आड़के था लास्ट सीजन में, वो दोनों बहुत अच्छा काम किया था काशीलिंग और हरीश नायक. अभी इस बार उनका टीम में वो दोनों नहीं है. तो उनको काशीलिंग बहुत काम किया, कम से कम वो काशीलिंग चार पांच मैच जिताया, हरीश ने एक दो मैच जिताया था. उसीलिए हम लोग सेमीफाइनल आया, सेमीफाइनल टॉप हो गया, फिर सेमीफाइनल भी जीत गया, फाइनल आया, फाइनल भी हम लोग टेक्निकली जीत गया. सेम इस बार भी ऐसे था. मैं स्टार्टिंग से ही हमारा मैनेजमेंट को बोला, अभी सब प्लेयर्स के साथ भी बोला, हम लोग इस बार जीत जाएंगे यार, तुम्हारा काम करो बस, कैसा कैसा खेलना है क्या करना है. वो प्लेयर्स भी ऐसा ही किया, सपोर्ट किया और जो बोलता था कोच वो ही सुना. अभी मनिंदर सिंह भी साथ बैठा था मेरे साथ, असिस्टेंट कोच जैसा. मनिंदर भी जो बोला प्लेयर्स को, प्लेयर्स सुना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक एक प्लेयर सुनता नहीं है, ऐसा प्लेयर्स को हम लिया तो जीतने का मुश्किल हो जाएगा. ऐसा नहीं हुआ. अभी हमारा सब प्लेयर्स का बात सब लोग सुनेगा. हमारा सब्स्टिट्यूशन भी डगआउट में बैठेगा ना, वो भी सुकेश को बोलेगा, नहीं तो जीवा को बोलेगा, जीवा सुनेगा. ऐसा प्लेयर हमारा टीम में था, उसीलिए हम ज़्यादा जीतने का चांस हो गया. थैंक यू. वन मोर क्वेश्चन सर, आपको अगर कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बताना हो इस मैच में, जिस जब आपको लगा कि हाँ अब हम जीत सकते हैं, वो क्या था? वही है, नबीबख्श ने 2+2 4 पॉइंट्स लेके आए, वही टर्निंग पॉइंट है. वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. अभी एक प्लेयर बचा था अनिल एक पॉइंट लेके गया. एक पॉइंट लेने के बाद लेफ्ट कवर था एक्चुअली अनिल, वो लेफ्ट कॉर्नर में आया. राइट कवर था रविंदर पहल, वो दोनों कॉम्बिनेशन था उनका. वो कैच हो गया तो फिर सुपर टैकल हो जाता, फिर बहुत टाइट हो जाता था मैच, फिर तीन में एक कैच हो गया, ऐसा हो जाता था. अभी ऐसा नहीं हुआ, नबी ने एक पॉइंट लेके आया, वही टर्निंग है हमारे लिए. हेलो, मेरा सवाल सुकेश से है. सुकेश, जैसे पहले ही 5 मिनट में टीम ऑल आउट हो गई, फिर फर्स्ट हाफ तक स्कोर बराबर था, तो उस टाइम आप प्रेशर में दिखे नहीं ज़्यादा, और आपका जो गुजरात का कप्तानी का अनुभव था वो क्या आज काम में लगा टीम को साथ में लेके, क्योंकि मनिंदर भी आज नहीं था टीम में? तो हाफ टाइम में हम बराबर था स्कोर, सारे प्लेयर हम प्रेशर नहीं लिया, तो नवीन को रुका गया तो हम जीत जाएगा पक्का, वो तो कॉन्फिडेंस था. हम लोग हाफ टाइम के बाद उसको 2-3 कैच मार दिया हमारे जीवा ने डिफेंडर, सो उस टाइम का राइडिंग डिपार्ट में अच्छा पॉइंट आ गया, सो जीतने के लिए कुछ हो. कोच, आपका प्लेयर है रविंद्र कुमार, तो उसने भी 5 पॉइंट लिए, वो एक्चुअली सीज़न 4 से आपके साथ है, तो मतलब ऐसे प्लेयर आपके पास बहुत है जो बेंच पे आके
यू नो इम्पैक्ट किया है, तो मतलब एक कैसा अपनी जो टीम का कॉम्बिनेशन था ये कितना सोच गया था इस पर, क्योंकि यू नो चार सी इतने सीजन से है पर उसको ज़्यादा खेलने नहीं मिला, बट तो भी आपने उसको रखा टीम में और आज कितना काफ़ी इम्पोर्टेंट काम किया उसने। सर लास्ट सीजन में भी बहुत अच्छा खेला था, मनिंदर के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट किया और राइडर ने, हमारा बेंगलुरु बुल इनके साथ तीन मैच खेला, हम लोग तीन भी हारा, उसमें वो लड़का मनिंदर के बाद में वो लड़का मनिंदर बाहर बैठेगा तो वो लड़का पॉइंट लेके आया था, इसीलिए हम रिटेन करने के लिए हम लोग मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन किया उसका और आदर्श का, बलदेव और मनी ये चारों को रिटेन करो टीम बढ़िया हो जाएगा। और मैच का टाइम में 12 किसको खिलाना ऐसे ही डिस्कशन करता मैं कैप्टन और जीवा सब ये जो बैठा है इनके साथ, उस समय मैं सबको पूछ रहा था, मणि बोल रहा था मेरे को मनिंदर सिंह, नहीं साहब को साहब इसको रखो ये काम पे आएगा ये बहुत अच्छा खेलेगा, रविंदर कुमावत, रविंदर कुमावत मेरे को कॉन्फिडेंस है, उसीलिए मैं आज हम दोनों डिस्कशन किया मैं और मनिंदर, प्रपंचन को बाहर किया, प्रपंचन आज नहीं चलने वाला मालूम पड़ गया, इसीलिए प्रपंचन को बाहर करके हमने रमेश कुमावत को डाला, रमेश कुमावत सही अच्छा खेला, उसका जो राइडिंग स्टाइल है ना नवीन और चंदन रंजीत जो राइड करता है ना पवन ऐसा ही स्टाइल है, देखने में थोड़ा हल्का है और उसका राइडिंग स्टाइल और बॉडी बैलेंसिंग फुटवर्क बहुत अच्छा है उसका, वो अच्छा काम किया हमारे लिए आज जीतने के लिए, वो बहुत अच्छा का सपोर्ट किया। बंगाल के फैंस को क्या कहना चाहेंगे, छह साल बाद आप जीत पहली बार जीते तो क्या मैसेज क्या होगा कोच का या कैप्टन का, मैसेज क्या होगा? क्या होगा, जीत तो दिया उनको, जीत चाहिए, ट्रॉफी चाहिए, हम तो ट्रॉफी जीता दिया, अभी लड़का लोगों को खुश करना है मैनेजमेंट ने, वो कैसा खुश करेगा देखेंगे, अभी वो खुश करेगा तो अगले बार टीम अच्छा रहेगा, वो इम्पॉर्टेंट है मेरे हमारे लिए बहुत बड़ा काम है बस। सुकेश सीजन 5 फाइनल आप गुजरात के साथ थे, कैप्टन थे उस फाइनल में, उस दिन दो साल के बाद आज कैप्टन ही थे तो प्रेशर थोड़ा कम था आप पे, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस दो सीजन का जो गैप था बीच में, क्या आपको लगता है कि आप एज द प्लेयर यू हैव मैच्योर्ड इन दीज टू ईयर्स, आपकी गेम की अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव हुई और ये दो सीजन में कि मतलब एक फाइनल ऑलरेडी हो चुका था आपका, तो उसकी वजह से क्या आज आप थोड़े और कूल हेडेड थे, इतना प्रेशर नहीं था आप पे आज? ये सीज़न मेरे लिए कम बैक दिया सीज़न 7 गेम पे, मेरा गेम पे, सो सीज़न 7 पे बेंगल वॉरियर्स पहली बार जीता, पहली बार फाइनल आ गया, मेरा प्रो कबड्डी कैरियर भी पहली बार गोल्ड मिल गया प्रो कबड्डी पे, सो पहले से स्टार्टिंग से हम लोग कैसे प्रैक्टिस किया, मेहनत किया 2 महीने कैंप में, सो ऐसे कोच साहब ने क्या बताया वो ऐसे हम लोग काम किया टीम के साथ, टीममेट्स के साथ, सो इधर गुजरात सीज़न 5 में कैप्टन था मैं, उस टाइम थोड़ा प्रेशर था, कैप्टन का प्रेशर था, प्लेयर का भी प्रेशर था, सो इस बार प्रेशर कोई नहीं था, कोई भी कोच का भी मैनेजमेंट कुछ नहीं, प्रेशर कोई नहीं, फ्रीडम था यहाँ पे, सो गेम दिखाने के लिए मेरे लिए अच्छा लगा। सीजन உங்க நாரா பண்ண இந்த திஸ் ஒன் ஆஃப் ப்ராப்ளி தி பெஸ்ட் சீசன் உங்களுக்கு, சோ உங்களுக்கு पर्सनலா எப்படி இருக்கு, உங்க வீட்ல எல்லாம் எப்படி என்ன சொல்றாங்க, இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கபடினா உங்களுக்கு சின்ன வயசுல உங்களுக்கு பழக்கம் தான், ஆனா இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க வீட்ல உங்களுக்கு இந்த வின்னுக்கு அப்புறம்? கண்டிப்பா போன சீசன்ல இருந்து இந்த சீசனோட 퍼ஃபார்மன்ஸ் வந்து இன்னும் பெட்டரா இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, 6 ஸ்கில்ஸும் சரி டிஃபென்ஸ்க்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுற அந்த ஒரு ஸ்கில்ஸும் வந்து டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கோச்சஸும் சரி எங்கள் சீனியர்ஸ் பிளேயர்ஸும் சரி நல்லா என்கரேஜ் பண்ணாங்க, ஸோ இந்த இயரை வந்து பெங்கால் வாரியர்ஸ் வந்து வின் பண்ணதில் ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே, வந்து கோச்சஸ் சரி எல்லாம் அந்த ஒரு ப்ரெஷர் மைண்ட் இல்லாமல் நம்ம ஒரு கிளப் டீமில் இப்படி விளையாண்டா எப்படி இருக்கும் அந்த ஒரு தாட்ஸு லைக் ஃபேமிலி டைப்பில், ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த சீசன் வின் பண்ணதுலேருந்து. ஜீவா ನೀವು ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಅವರು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಹಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು, ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ ಪೂರ್ತಿ? ನೀವು ಎನ್ನೋಡ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗೇಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ஹிந்தியில் எழுத்தர லடத் கர்ண லாஸ்ட் ஏ ஒன் மினிட் தங்க லடத் கர்ண ஐசே போல் தாத்தா ஆர் மணி தோனோக்க பாத் எயி ரைத்தா லாஸ்ட் ஒன் மினிட் தக் லடத் கர்ண ஆர் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் கர்த்தா தா ப்ராக்டிஸ் மேட்ச்க்கு பயிலே ஓ மேரகு பூரி பிளேயருக்கோ பூரி பிளேயருக்கோ மைண்டுமே எக்தம் ஸ்ட்ராங் ஹோதாயேகா உஸ் ஓ மேரகு போத் ஹெல்ப்ஃபுல்லோ ஹெல்ப் போதா நபி யூ ஸ்கோர்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ரேட் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் ஹவு டிட் யூ டூ இட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ டிஃபெண்டர்ஸ் வேர் ஆன் யூ ஹவு டிட் யூ ஸ்கோர் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் த ரேட் Me, before Raid, me on Andres and Ravindra Paul, Kash, okay? Okay, Andres, huh? Andres, huh? Okay. Before Raid, me, on the, me, I know Ravindra Paul, Kash, okay? Me, little tired. Tired? Oh, start? Feel very good. I don't know, Kash. ஓகே ஓகே யூமம்பால் ஆடும்போது அந்த டீமோட அந்த கிரிப்பு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ரொம்ப ரொம்ப காலத்துக்கு போக ரெண்டு மூணு சீசனுக்கு அப்புறம் இந்த டீமில் கிடச்சிருந்தேன் ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து எங்கள் ரெண்டு கார்னரும் யூமும்பாயில் வந்து மோஹித் சில்லரும் நாடாவும் சுரேந்திர நாடாவும் ரெண்டு வரும் அந்த யங்ஸ்டராக இருந்தாங்க அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அனூப் நல்ல ஒரு கேப்டனாக இருந்தாங்க இது வந்து அதே மாதிரி இந்த வாட்டி ரிங்கு நர்வால் பல்தேவ் ரெண்டு பேரும் அதே யங்ஸ்டர் தான் அதே அந்த ஸ்பிரிட்டோடு இருந்தாங்க மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு மணிந்தர் இருந்தான் மணிந்தர் எவ்வளோ பாயிண்ட் கம்மியாக இருந்தாலும் எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி இருந்தான் ஸ்டார்டிங்கிலேருந்தே எங்கள் மைண்டில் ஒரு ஒரு தைரியம் வந்துச்சு இந்த வாட்டி இந்த சான்ஸை விட்டால் ரெண்டாவது வாரத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஃபைனல் வர்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல சான்ஸ்னு தான் என்னோட மனசில் தோணுச்சு செகண்ட் டைம் யூஸ்கா எனக்கு செகண்ட் டைம் தான் இது மும்பையில் இருந்தபோது நான் இப்போ சப்ஜெக்ட் பிளேயரு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நாங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்தே நாங்கள் வந்து இது ஐடியா பண்ணது தான் இப்போது ஃபைனல் அப்பாட் ஃபைனலில் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா நவீன் ஒரு போனஸ் பாயிண்ட் எடுத்து போனால் அதே சேம் திங் நாங்களும் அந்த ஒரு நாங்கள் போனஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா ரைடு பாயிண்ட் ஸ்கோர் பண்ணணும் அந்த ஒரு இது போயிட்டே இருந்தது டிஃபென்ஸ்லேயே அதே மாதிரி விட்டு கொடுக்காத மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் அங்கே கொடுத்தா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருந்தது லாஸ்ட் வரைக்கும் அந்த ஒரு பிளானிங் போயிட்டே தான் இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த இதில் வின் பண்ணதுலேருந்து